वेलकम टू रियल स्टडी फ्रेंड। आज आम जानवा अम्ल क्षारक और लवण पार्ट थ्री। देख ये पार्ट थ्री पढ़ू, ये जो पार्ट थ्री रु निश्चित रूपे तुम्हें दुई रु तीन टी क्वेश्चन पाइज एवं शॉर्ट क्वेश्चन ये जो पढ़ा निश्चित आसव। तेणु ये वीडियो को केयरफुल देखु। देख प्रथम आम जानवा सोडियम हाइड्रोक्साइड विषय यह किप प्रस्तुत हुए आउ यार संकेत कौन। देख कौन हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड यार फॉर्मूला बा रासायनिक संकेत होची NaOH। सोडियम अच्छी Na आउ हाइड्रोक्साइड अच्छी OH। एटा हला सोडियम हाइड्रोक्साइड। देख प्रस्तुति किपर करा जाए या मु संक्षिप्त उपाय लिखी तुम्हें नोट रे या भलसे लिख आ मन रखापी तुम्हें यही मेथड अप्लाई कर पारिबो। बहुत सहज रे तुम्हें मन रखी पारिबो। देख प्रथम कौन हुए जो विद्युत स्रोत को आम ब्राइन मध्य पास बा प्रवाहित करते। अच्छा ये ब्राइन कौन, ये ब्राइन हो सोडियम क्लोराइड गोटे द्रवण। सोडियम क्लोराइड है NaCl। ये ब्राइन सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण ता माने आम कौन करती सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण में आम विद्युत स्रोत को प्रवाहित करते जहाँफल कौन हुए ये जो सोडियम क्लोराइड विघटित होता है माने भांगी जाए थाए आयरी कौन हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड। आउ ये प्रणाली है यह आम कहते क्लोरो अल्कली प्रणाली। यह तुम मन रख यार रासायनिक समीकरण कौन लिख तुम्हें लिख 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जलीय द्रवण जेहेतु आम लिखा जल H2O 2 आउ 2 ये सब बालान्स करने लिखाई यह मन रख 2NaCl प्लस 2H2O तैयार कौन है 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जोटा मैं दरकार था सहीटा बर्तमान तैयारीगला प्लस आउ कौन या क्लोरीन गैस या आउ हाइड्रोजन गैस या। देख ये जो क्लोरीन गैस एनोड रे तैयारी हेब आउ H2 बा हाइड्रोजन गैस कैथोड रे तैयारी हेब। अच्छा ये एनोड आउ कैथोड ये पुणी कौन आम कौन कले आम कर विद्युत विश्लेषण कर विद्युत स्रोत को जल रे प्रवाहित कर। देख विद्युत विश्लेषण कौन भल भाव बुझे चेस्टा कर आम कौन गोटे पात्र जलीय द्रवण नहीं था आम एठार कौन नहीं चाहते जल नहीं जो जल पर पदार्थ अच्छी यहाँ हूँ वाटर आउ दुईट कंटा रखी एवं गोटे बैटेरी जुटिंट। देख बैटेरी जोटा नेगेटिव टर्मिनाल जोटा माइनस से जो कंटा सहित लगी थाए तार ना हूँ कैथोड एवं बैटेरी जो प्लस टर्मिनाल अच्छी प्लस टर्मिनाल माने पॉजिटिव अंश रही सहीटा को जो कंटा सहित आम लगे सीटा हूँ एनोड। जापारो कैथोड हो बैटेरी नेगेटिव सहित लगी एनोड हो बैटेरी पॉजिटिव सहित लगी आठ हूँ जल ता सहित NaCl अच्छी सोडियम क्लोराइड जहाँफल कौन हम ये विघटित हो ये कौन तैयारी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयारी हम आउ क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस एनोड्रे बाहर माने यही स्थान में क्लोरीन गैस बाहर आउ यही स्थान में हाइड्रोजन गैस बाहर भल भाव बुझिपार। देख मुझे कहीदे भल भाव मन रख आम जानते सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक संकेत हूँ NaOH। आम कौन कले विद्युत स्रोत को सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण से ब्राइन में प्रवाहित कले तार विघटित घटी सोडियम हाइड्रोक्साइड सृष्टि आउ से प्रणाली को आम क्लोरो अल्कली प्रणाली कही था यार रासायनिक संकेत यह लिखाई तुम्हें लिख आउ एनोड कैथोड कौन बैटेरी नेगेटिव टर्मिनाल सह जहाँ लगी थाए से हूँ कैथोड आउ बैटेरी पॉजिटिव टर्मिनाल सहित जहाँ लगी थाए से हूँ एनोड। यह तुम्हें भल भाव मन रख। बर्तमान आम पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर विषय। देख ये ब्लीचिंग पाउडर ए वर्ष इंपोर्टेंट अच्छी यह एग्जाम पढ़वार चान्स अच्छे बा नल यार शॉर्ट क्वेश्चन पढ़वार चान्स अच्छे यहाँ भल भाव प्रिपेयर हुआ। देख जदि पढ़ला तुम्हें कौन लिख प्रथम ब्लीचिंग पाउडर हेडिंग करदेव आउ तार संकेत गोटे आंसर लिखिदेव तार संकेत हूँ CaOCl2 कैल्शियम अच्छी ऑक्सीजन अच्छी क्लोरीन अच्छी। ओके यार रासायनिक संकेत कौन रासायनिक संकेत हूँ CaOCl2 एवं यार प्रस्तुति किपर होता है। देख प्रथम ब्राइन ब्राइन पूर्वर कहली ब्राइन हूँ सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण यहाँ जदि आम विद्युत विश्लेषण करवा तुमको कही जदि आम यहाँ विद्युत विश्लेषण करवा तेल कौन तैयारी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयारी हम क्लोरीन तैयारी हम हाइड्रोजन गैस तैयारी हम आमर दरकार अच्छी क्लोरीन गैस तादर क्लोरीन गैस भी बाहर थाए जदि से क्लोरीन गैस
आम शुष्क समित चून मिसेद ये क्लोरीन गैस आ शुष्क समित चून ये दुज भितर रासायनिक प्रतिक्रिया घटी कौन या ब्लीचिंग पाउडर बा CaOCl2। देख यार रासायनिक समीकरण किपर लिख तुम लिख CaOH होल टू यहाँ हूँ शुष्क समित चून कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सहित प्रतिक्रिया कर प्लस Cl2 क्लोरीन तैयारी कौन हम CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन प्लस कौन तैयार हम जल। देख या ब्लीचिंग पाउडर तापर यार व्यवहार पड़ो व्यवहार कौन लिख। देख ये मुझे सर्ट लिखी जेपरी तुम शीघ्र मन रही नोट्रे तुम यहाँ क्लीअर लिख कौन कर प्रथम देख बयन शिल्प कौन थाए जो सब सूता सब अच्छी वस्त्र अच्छी आम कौन करना विरंजन करंजन मान क्लीन करता धला आहुरी लाइटनिंग करता आहरी कागज कल कागज जो प्रथम प्रथम तैयार हुए यह अधिक गुड़िया देखा जाए से यह आम लाइटनिंग करवाई धला करवाई ब्लीचिंग पाउडर आम कागज कल व्यवहार कर ता सहित लॉन्ड्री रे जो सफा लुगा अच्छी ताकु आउरी लाइटनिंग करने आउरी सफा करने धला करने कहले विरंजन करने ब्लीचिंग पाउडर को व्यवहार कर जाए। यार सेकेंड व्यवहार कौन द्वितीय व्यवहार होनेक गुड़ी रासायनिक शिल्प में जारक रूप व्यवहार करता। अच्छा ये जारक कौन तुम्हें भल भाव देख कैल्शियम ऑक्सीजन आउ क्लोरीन अच्छी यहाँ हूँ ब्लीचिंग पाउडर संकेत एथिर अच्छी ऑक्सीजन अच्छी तुम्हें जान ऑक्सीजन जो थे लग जाए ताकू आम कहते जारण प्रतिक्रिया ताले जदि आम ब्लीचिंग पाउडर को नौ जारक रूपे कार्य करें बा जो ब्लीचिंग पाउडर अन्य गुड़े धातु ऑक्सीजन को लगे देता है से गुड़े रासायनिक शिल्प में आम या जारक रूपे व्यवहार करता। जारक कौन जी आउ गोटे पदार्थ को जारित करता है बा जो पदार्थ जारण प्रतिक्रिया घटाई थाए सेटा हूँ जारक ताले जारक रूपे ये ब्लीचिंग पाउडर को अनेक गुड़े रासायनिक शिल्प में आम व्यवहार करतापर बीजाणु नाशकारी पदार्थ भाव यह एक बीजाणु नाशकारी पदार्थ एथिरे बीजाणु माने मरी जाती से आम कौन करता पानीय जल को मुक्त करने जेपरी कूर आम कौन करता ब्लीचिंग पाउडर पकाई था ताले ये जो तीनोटी हूँ यार व्यवहार आउ ये हूँ यार प्रस्तुति जदि एग्जाम क्वेश्चन आसे तुम्हें नोट मध्यम लिख आध्यम तुम्हें सहजरे मन रखिपार। बर्तमान आम खाइवा सोडा बा बेकिंग सोडा विषय पढ़ा। देख यह गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहब ना कि एग्जाम रे ब्लीचिंग पाउडर आसव कि खाइवा सोडा आसव कि धोवा सोडा आसव कि प्लास्टर पैरिस आसव ये चारोटी तुम मोस्ट इम्पोर्टेंट रही वर्षपाई। देख जदि तुम खाइवा सोडा एग्जाम आसे ताल तुम कौन कर प्रथम तुम लिख हेडिंग कर खाइवा सोडा आ तर डाउन साइड रे यार रासायनिक संकेत लिखिदेव ताप लिख यार रासायनिक संकेत हूँ NaSCO3 आउ यार रासायनिक नाम हूँ सोडियम NA माने कौन NA माने हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3 है कार्बोनेट ताले यार रासायनिक नाम कौन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके ताले यार प्रस्तुति कौन लिख प्रस्तुति लिख जदि सोडियम क्लोराइड जल अंगारकाम्ल आउ एमोनिया गैस यही चारोटी भितर प्रतिक्रिया होता है रासायनिक प्रतिक्रिया होता है तेब खाइवा सोडा बा बेकिंग सोडा सृष्टि होता है आउ तले यार समीकरण को लिख समीकरण लिख NaCl NaCl है सोडियम क्लोराइड जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल गैस प्लस NH3 यहाँ हूँ एमोनिया गैस तुम्हें संकेत भी मन रख एग्जाम एमोनिया गैस संकेत भी पकाई पारे आउ आम कौन कौन तैयार है एमोनियम क्लोराइड NH4Cl यार ना हूँ एमोनियम क्लोराइड प्लस कौन तैयार प्लस तैयार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा जार अन्य ना हूँ खाइवा सोडा आउ तुम्हें माने समस्ते जान आम खाइवा सोडा को खाद्य सहित मिसाई था जहाँफल आम खाद्य पदार्थ सब फुली थाए आउ कौन होता है नरम होता है यह कहीं हुए। देख जदि आपको गरम करवा खाद्य मिसाइकी आमको गरम कले तो कौन हम यह आम गरम करवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ हूँ हिट्र चिन्ह त्रिभुज पर चिन्ह बा तुम ताप भी लिखिपार ताल आम कौन तैयारी हम आम तैयार हो सोडियम कार्बोनेट तैयारी हम
ଜଳ ତିଆରି ହେବ ଆଉ ସିଓ ଟୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ହେବ। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦେ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବନେଟ୍ ବା ଖାଇବା ଶୈଳୀକୁ ଗରମ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଲା ଏହା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଫୁଲାଇଥାଏ, ଜାଣିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଏହାର ଯଦି ବ୍ୟବହାର ଲେଖିବ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ତୁମେ ଲେଖିବ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଫୁଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳକୁ ପ୍ରଶମନ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ଶୈଳୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଲେଖିବ ଏହାକୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ, ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର। ଏଠି ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର, ଏଥିରେ ଆମେ ଖାଇବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଖାଇବା ଶୈଳୀକୁ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସରରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଶୁଷ୍କ ବରଫ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ତୁମେ ଜାଣିରଖ ଖାଇବା ଶୈଳୀକୁ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଖାଇବା ଶୈଳୀର ନୋଟ୍, ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରେ ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ ଲେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଧୋଇବା ଶୈଳୀ। ଦେଖ ଧୋଇବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ ଏସବୁକୁ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବ। ଦେଖ ଧୋଇବା ଶୈଳୀ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା ଧୋଇବା ଶୈଳୀକୁ ହେଡ଼ିଂ କରିଦେବା, ପ୍ରଥମେ ହେଡ଼ିଂ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଏହାର ଆମେ ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତକୁ ଡାଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦେବା। ସଙ୍କେତ ହେଉଛି Na2CO3.10H2O, ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ। ତାପରେ ଲେଖିଦେବା ଏହାର ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି Na2CO3.10H2O, ଏସବୁ ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଲେଖିବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତୁମେ ଲେଖିବ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ ବେକିଙ୍ଗ ସୋଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁ ବେକିଙ୍ଗ ସୋଡ଼ା ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆମର ମିଳୁଥିଲା Na2CO3, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଏନ୍ଏ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍, CO3 ହେଲା କାର୍ବୋନେଟ୍, ଏଇଟା ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବା ପୁନଃ ସ୍ଫଟିକୀକରଣ କରିବା, ସ୍ଫଟିକୀକରଣ ଅର୍ଥ ଜଳରେ ମିଶାଇବା ବା ଏହାକୁ ଆମେ ବାମ୍ଫ ଦ୍ୱାରା ବା ଏହାକୁ ଆମେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ମିଶାଇବା, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ତିଆରି ହେବ, ଆମର ତିଆରି ହୋଇଯିବ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା। ଏହାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ, ତୁମେ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିବ ବେକିଙ୍ଗ ସୋଡ଼ାକୁ ଗରମ କଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ମିଳିଥାଏ ଓ ଏହାକୁ ପୁନଃ ସ୍ଫଟିକୀକରଣ କଲେ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଏହାର ସମୀକରଣ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ବହିରେ ଏହାର ସମୀକରଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମୀକରଣ ଲେଖିଦେବ, ତୁମ ପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ। କ'ଣ ଲେଖିବ, Na2CO3+10W, ତୁମେ ତିରୋଚନ ଉପରେ ଲେଖିଦେବ ସ୍ଫଟିକୀକରଣ, ତାପରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଲେଖିଦେବ Na2CO3.10W, ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା। ତାପରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଲେଖିବ, ଦେଖ ଏହାକୁ କାଚ, ସାବୁନ, କାଗଜ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କାହାକୁ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ାକୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖିବ ବୋରାକସ୍ ପରି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଯୌଗିକକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ବୋରାକସ୍, ଯେଉଁ ବୋରାକସ୍ ଏହା କାହାର ଯୌଗିକ, ଏ ବୋରାକସ୍ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଯୌଗିକ, ଆଉ ଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆକୁ ଘର ସଫା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଜଳର ସ୍ଥାୟୀ ଖରତ୍ଵ, ଦେଖ ଜଳ ଯଦି ଆମର ଖାରିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଖରତ୍ଵକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଚାରୋଟି ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟବହାର। ଯଦି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବିଷୟରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏସବୁକୁ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଦେବ ଏବଂ ତୁମେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ, ଏହାକୁ ତୁମେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରେ ମନେ ରଖିବ, ଅଳ୍ପ ଲେଖାରେ ତୁମେ ବହୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍, ଏହାର ସଂକେତ ହେଉଛି CaSO4.5W। ଦେଖ ଏହାର ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ କ'ଣ ହେଲା, CaSO4.5W, ଆଉ ଏହାର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍। ଦେଖ ହେମି ମାନ ହେଉଛି ଅଧା, ଯେପରି ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ହେମିସ୍ପିୟର୍ ବା ଅର୍ଦ୍ଧଭୂତ, ସେହିପରି ହେମି ମାନ ହେଉଛି ଅଧା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର CaSO4 କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି, SO4 ମାନେ ସଲଫେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଅଧା ୱାଟର୍ ଅଛି, ହାଫ୍ ୱାଟର୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା,
जदि आम जिप्सम को 373 केल्विन तापमात्रा रे उत्तप्त करिबा ताले कौन हबो कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट बा प्लास्टर ऑफ पेरिस सृष्टि हबो। देखो तुम्हें तापर कौन लिखिबो तुम्हें समीकरण को लिखि दबो बही रे समीकरण लिखा जाए नहीं तुम्हें किंतु समीकरण लिखिबो कौन लिखिबो CaSO4.2 वाटर एटा होची जिप्सम रो संकेत भलार मन रख एटा कार संकेत एटा होची जिप्सम रो संकेत जिप्सम तुम्हें ये जिप्सम संकेत को भल मन रख यह परीक्षा पड़ा चान्स अच्छे आम कौन कले जिप्सम को 373 के रे उत्तप्त कले तैयारी कहला आमर प्लास्टर ऑफ पेरिस। देख तापर जदि व्यवहार पड़ो तुम्हें कौन लिखे कंडे साजसजा सरंजाम आउ पृष्ठ को चिकन करने आम प्लास्टर ऑफ पेरिस को व्यवहार कर था सेकेंड हूँ भांगी जा हाड़ को आम ठीक स्थान रखापी प्लास्टर ऑफ पेरिस व्यवहार कर था आउ तुम्हें कम तीन नंबर में गोटे यार व्यवहार अच्छी तुम्हें भल भाव बही पढ़ आ तीन नंबर व्यवहार कौन तुम्हें निजे बाहर करके लिखिबो आउ एहाको मन रखिबो। देखो जहाँ मुझे लिखी एहाको तुम्हें नोट कर दियो तुम्हें यहाँ सॉर्ट रे मन रखि पार नहले वीडियो को आरंभ रु देख भल भाव यहाँ तुम्हें नोट कर दियो आउ एग्जाम आसवर चान्स अधिक अच्छी तुम्हें खाइबा सोडा धोइबा सोडा प्लास्टर पेरिस आउ ब्लीचिंग पाउडर ये चारोटी को भल भाव मन रखि दियो कारण एथिरु निश्चित रूपे आइदर दि मार्क आसिबो नहले एक मार्क जहाँ भी हेले एथिरु एग्जाम रे आसिबार अछि तुम्हें यहाँ भल भाव प्रिपेयर हो जाओ आउ आमर टार्गेट हो 95% 95% आम टार्गेट जदि तुम्हें प्रत्येक वीडियो को देखु निश्चित रूपे तुम एग्जाम 95% रखिपार ताले डेली जहाँ भी अपलोड हो वीडियो प्रत्येक को तुम्हें निश्चित देखिबो आउ प्रिपेयर मध्ये हबो। जदि ये वीडियो तुम्हें फर्स्ट टाइम देखु निश्चित रूपे सब्सक्राइब करनियो आउ फ्रेंड मान सहित तो निश्चित रूपे तुम्हें शेयर कर जदि फ्रेंड को तुम्हें हेल्प करिबो ताले से मध्यो तुम्हें निश्चित रूपे हेल्प करिबो ताले फ्रेंड को शेयर कर दियो आउ चैनल को सब्सक्राइब मध्यो कर दियो मो तरफ रु सबल पाई ऑल द बेस्ट।